अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। मौसम में बहार की आमद आमद है और साथ ही DHA वालों ने जश्न बहारा का मेला सजाया है DHA Phase 6 में। तो हम लोग भी जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें और देखते हैं क्या महफिल सजाई है DHA वालों ने। बहुत ही खूबसूरत सजावट की है, रास्ते में भी, रोड्स में, लाइट्स के साथ, फूलों के साथ, और दिल दिल पाकिस्तान लिख के जश्न बहारा को वेलकम किया है। चलिए जी, इंटरेस्ट स्टार्ट हो गई है। पहले फर्स्ट पे ही आपको जो फूलों की डेकोरेशन फर्स्ट नंबर पे आई है वो दिखा रही हूँ, फिर आगे चलते हैं सेकंड थर्ड पे। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया है फूलों को और बहुत ही खूबसूरत फूल हैं। चले अंदर भी देखें, इन्होंने डोर बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत फूलों के साथ और लाइट्स के साथ अरेंजमेंट की है। काफ़ी तादाद में लोग आए हैं इस इवेंट को देखने के लिए और बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट किया है फूलों के साथ, लाइट्स के साथ। फिर एक साइड पे म्यूज़िक चल रहा है, दूसरी साइड पे खाना पीना है, स्टॉल लगे हुए हैं। आपको सारा इवेंट साथ साथ दिखाती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। 3 दिन के लिए जश्न बहारा का मेला सजाया है DHO वालों ने Phase 6 में। ये हार्ट बना के बहुत ही खूबसूरत फूलों और लाइट्स के साथ अरेंज किया है। से निकलेगा जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। इस एरिया को बहुत ही प्यारा अरेंज किया है फूलों के साथ, बास्केट लगा के, फिर साथ ही एक डॉल्फिन बनाई है और सेंटर में सारे फूल ही फूल हैं, रंग बिरंगी डॉल्फिन्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी।
चलते हैं इस एरिया में और देखते हैं क्या हो रहा है। इधर एक आर्टिस्ट बैठा कैलीग्राफी कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत नाम लिख रहा है, और आप भी अपनी पसंद का नाम लिखवाएं। देखें कितनी खूबसूरत हैंडराइटिंग है। हर साइड पे अलग एक मेला सजा हुआ है। इधर एक खाने पीने का अरेंजमेंट किया है, हमारी पुरानी सकाफत पंजाब की जो वो दिखाई गई है। आपको मैं साथ रहिए और देखिए, ये देखें कितना खूबसूरत पंजाब का कल्चर दिखाया है। सारा पुराना सिस्टम, चाटी और जैसे पहले मिट्टी के घर होते थे, और साथ ही खाने पीने का अरेंज किया है, वो भी पंजाबियों की पसंदीदा खाने, जलेबी, साथ ही लस्सी चाटी की और मकई की रोटी और साग, जो कि पंजाब के लोगों की पसंदीदा डिश है। आप लोगों ने कभी कतलमा खाया है? नहीं खाया तो इधर आएं और आप भी टेस्ट करें। ताज़ा ताज़ा जलेबियाँ, इधर भटूरे बन रहे हैं, क्या मज़े, मेले का मज़ा दुबला कर दिया है DHO वालों ने। इधर एक आंटी सरसों का साग और मकई की रोटी का स्टॉल लगा के बैठी हुई हैं, ताज़ा ताज़ा फ्रेश मकई की रोटी, बारबेक्यू, साथ ही गोलगप्पे हैं, लड़कियों की हर दिल अजीज़ डिश गोलगप्पे। साथ में पान का स्टॉल है, बहुत ही फ्लेवर और कलरफुल पान का स्टॉल है। साइड पे DHO वालों ने प्रोजेक्टर लगाया है, और ख़ास तौर पे अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको दिखा रहे हैं। तो ये सिटिंग एरिया है, अपने अपना खाना लें और आके आराम से सुकून से खाएं और साथ साथ म्यूज़िक एंजॉय करें।
म्यूज़िक के साथ डांस कंपटीशन हो रहा है, देखते हैं कौन जीतता है इस डांस कंपटीशन में, पहले कौन थकता है। और ये ट्रीज़ को लाइट्स के साथ डेकोरेट किया है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा।